नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूं आप सभी का अभय न्यूज के 14 दिसंबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। तराना के मानस भवन मंदिर की पुजारी उमा त्रिवेदी को सोमवार दोपहर वैक्सीनेटर बनकर आई महिला ने चाकू मारकर गहने लूट लिए। आरोपी महिला वैक्सीनेटर बनकर आई थी। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। हालांकि अभी उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया। दरअसल 65 साल की उमा त्रिवेदी अकेली रहती है। उनके पति और बच्चों का निधन हो चुका है। दोपहर को आरोपी महिला त्रिवेदी के निवास पर पहुंची और वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड मांगा। श्रीमती त्रिवेदी आधार कार्ड लेने अंदर गई तो आरोपी महिला भी पीछे से घर के भीतर आ गई और सोने के कंगन छीनने का प्रयास किया। जब त्रिवेदी ने इसका विरोध किया तो महिला ने चाकू से हमला बोल दिया। कंगन और अन्य आभूषण छीनने के बाद महिला भागकर पास के ही एक मकान में छिप गई। त्रिवेदी ने आसपास के लोगों की मदद से महिला को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। थाना प्रभारी संजय मंडलोई ने बताया कि महिला को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी तराना की ही रहने वाली है। उससे लूटे गए आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। बोले गए यार तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है, देव तुम्हारा वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। तो मैंने वो आधार कार्ड का भी दे दिया नंबर और वो उसका भी दे दिया वोटर आईडी का भी। और उसके बाद आई देखो तो वहाँ वैक्सीन का भी वो शिवराज चौहान का वो आता है ना, फिर क्या हुआ? हाँ उसका उसका बताओ नहीं के। तो मेरे पास नहीं था, मेरे भतीजे मतलब बहन के लड़के ने भेजा वो और चौथे दिन फिर आई है। तो आप बताओ, बोले कि क्या हुआ नहीं के, के। तो मैंने क्या कि ये देख लो मोबाइल में। तो मोबाइल में देखने में वो ये अंदर आ गई। अंदर आने के बाद फिर मेरे ऊपर चाकू बताने लगे कि तुम्हारा ये चूड़ी उतारो, कान के उतारो, तुम्हारी ये अंगूठी उतारो। तो मैंने नहीं उतारा और इनका धक्का देखने में बाहर आ गए। अंदर से गेट लगा दिया, बाहर का गेट लगा दिया मैंने। बाहर का गेट लगाने में इनने जाले का दरवाज़ा तोड़ दिया और बाहर आ गए। और मैं भागी वो माँ साहब के कमरे में, ये वहाँ भी आ गई। वहाँ भी धक्का धुमी करके ना मेरे पास भी झपटा झुमी करी, ये हाथ में मतलब ये चोड़ी तोड़ दी मेरी और ये सिर में 3-4 बार ईंटा लिखी थी सर, एक पीछे भी घुमाई फिर सर में दिया मेरे को। उमा त्रिवेदी नाम की महिला ने रिपोर्ट करी कि दोपहर में वो घर पे थी। उस समय एक महिला उसके घर पे आई और उसको घर में धक्का दे के अंदर करा और उससे बोला अपने सब जेवर जो भी उतार के दे दे। तो वो उस भाई को धक्का दे के अपने पड़ोस में दादी के यहाँ गई। तो वो महिला भी दौड़ के पीछे वहाँ आई और उसने उसे जीना चपटी करी और उसका एक हाथ का कंगन और एक कान की बाली और मोबाइल लेके भाग गई। क्या है सर पूरा मामला, कहा कि ये महिला जिन्होंने महिला सस्पेक्टेड है, अभी नाम पता नहीं खुला है बताएं। और बोरा जी की टाल के आसपास की रहने वाली बताएं, ऐसा उसने बताया। अभी उसका नाम खुला तो नहीं हुआ, जैसे नाम खुला तो होगा अपराधिक रिकॉर्ड देखेंगे। क्या आवाज़ के नाम पर महिला से ठगी करने का मामला भी आया इसमें सामने का? नहीं, आवाज़ के नाम पर नहीं, ये तो लूट का मामला है। ऑटो रिक्शा के नाम पर शहर में अंधेर गर्दी चल रही है। सरकारी दस्तावेजों में यूं तो 5,258 ऑटो रिक्शा रजिस्टर्ड है, लेकिन इनमें से केवल 2,358 के पास ही परमिट है। बगैर परमिट के चल रहे ये ऑटो रिक्शा पैसेंजर के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इनके खिलाफ आरटीओ ने अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत अब तक 500 ऑटो रिक्शा के चालान बनाए जा चुके हैं। दरअसल पिछले एक सप्ताह से बगैर परमिट दौड़ रहे ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ आरटीओ ने अभियान चला रखा है। इसके चलते रोजाना ही बगैर परमिट दौड़ रहे ऑटो के चालान बनाए जा रहे हैं। इन ऑटो को चालान बनाने के बाद सीधे कोर्ट भेजा जा रहा है, वहीं से इन्हें छोड़ा जाएगा। आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया कि बगैर परमिट चल रहे ऑटो चालकों के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सारे ऑटो वाले परमिट नहीं ले लेते। उज्जैन संभाग में उज्जैन जिले के अंतर्गत लगभग 5,800 से अधिक ऑटो जो है रजिस्टर्ड है, जिसमें से लगभग 3,000 के परमिट ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। पिछले 10 से 15 दिनों में हमने जो है अवैध ऑटो के खिलाफ जो कार्रवाई संचालित की गई थी उसमें लगभग 500 से अधिक ऑटो हमने जब्त किए हैं और इतने ही ऑटो के फिटनेस और परमिट वापस से इनके जारी करवाए गए और इनको वैध किया गया है। और ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी ऑटो जो है वैध ना हो।
खराब माली हालत से जूझ रहे नगर निगम प्रशासन ने 120 ठेकेदारों से काम तो करवा लिया, लेकिन 16 महीने से इनको भुगतान नहीं किया। 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि फंसने से पहले से परेशान ठेकेदारों को अब निगम प्रशासन मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा है। वह उनकी डिपॉजिट राशि जब्त कर रहा है और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर रहा है। निगम प्रशासन की तानाशाही से परेशान ठेकेदार मंगलवार को आयुक्त अंशुल गुप्ता को घेरने निगम कार्यालय पहुंच गए। बिल्डर्स एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदारों ने गुप्ता को दो टूक कहा कि उनके द्वारा काम करना संभव नहीं है। सितंबर 2020 से लेकर आज तक भुगतान नहीं किया गया है। निगम भुगतान तो कर नहीं रहा, उल्टा हमारी डिपॉजिट राशि राजसात कर रहा है। इतना ही नहीं, निगम के अधिकारी ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ठेकेदारों ने आयुक्त से साफ कहा कि हम सबका बकाया भुगतान एकमुश्त जारी कर दिया जाए तो हम सारे लंबित काम पहले ही की तरह शीघ्र ही प्रारंभ कर देंगे। इतना ही नहीं, अनुबंध फिर से कर लेंगे। ठेकेदार ने कहा कि भुगतान के अभाव में नवीन टेंडरों में भाग नहीं लिया जाएगा और नया काम भी नहीं किया जाएगा। आयुक्त ने ठेकेदारों को आश्वस्त किया कि वह जल्दी से भुगतान कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने मौके पर अपर आयुक्त वित्त आदित्य नागर को भी बुलवाया और उनसे मामले का निराकरण करने को कहा। नागर ने ठेकेदारों से कहा कि उन्होंने अभी ज्वाइन किया ही है और जल्दी ही व्यवस्था देखकर भुगतान कराने की कोशिश करेंगे। ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश अग्रवाल ने बताया कि 16 महीने से भुगतान नहीं होने से ठेकेदार परेशान है। 80 करोड़ रुपए फंसा हुआ है, ऐसे में नए काम कैसे शुरू किए जाए। सभी ठेकेदारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो काम जरूरी नहीं है उसको नहीं लगाए जाएंगे और जो कार्रवाई किसी ठेकेदार पे हुई उसको वापस पुनः विचार करने का उन्होंने बोला है। दूसरा, नए अपर आयुक्त वित्त आए हैं, उनसे भी उन्होंने चर्चा करने का बोला। उन्होंने बोला कि मेरे 5-7 दिन का समय दें, मैं सारी वित्तीय स्थिति देख कर फिर आप अगले सोमवार तक मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। दिया है कि और भुगतान करेंगे, शासन से पैसा बुलवा के और भुगतान की मांग उनने बोला है कराई की जाएगी। आप कम से कम 120 ठेकेदारों और 70-80 करोड़ रुपया ठेकेदारों का बाकी है। अभी कोई भी ठेकेदार काम प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है। अगर सितंबर माह का भुगतान भी हो जाएगा तो भी ठेकेदार काम प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं रहेगा। और 16 महीने से तो पेमेंट नहीं हुआ, जो काम 16 महीने पुराना है उसको 6 महीने पहले कर चुके, मतलब 2 साल से हम काम कर चुके, वो पेमेंट आज तक हमारा बाकी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार से नियमित दर्शनार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब नियमित दर्शनार्थी दिन में एक बार ही बाबा महाकाल के दर्शन सुबह 7 से 9 और शाम 6 से रात 8 बजे के बीच ही कर सकेंगे। दर्शन के लिए उन्हें भस्म आरती द्वार से प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। नियमित दर्शनार्थी विश्राम धाम रैंप मार्बल गलियारा होते हुए गेट नंबर 6 से सामान्य श्रद्धालुओं के साथ लगकर श्री महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। नियमित दर्शनार्थियों को अपने साथ किसी और को ले जाने की पात्रता नहीं होगी। 1 महीने में 90% उपस्थिति होना जरूरी होगा। नई व्यवस्था का उपयोग अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा। प्रशासक परिस्थितियों के अनुसार कभी भी व्यवस्था में बदलाव के लिए सक्षम रहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को नामांकन के साथ जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र भी जमा कराना होगा। यह प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी होना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग के बीएस जामोद ने बताया कि आरक्षित पद उम्मीदवारों के लिए यह व्यवस्था जरूरी रहेगी। गरीबों को गर्म वस्त्र देने के लिए शहर में नेकी का वाहन चलेगा। हर सोमवार को 2 प्रख्यात हस्तियों के नाम गर्म कपड़े बांटे जाएंगे। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के नेकी के वाहन का शुभारम्भ ASP अमरिंदर सिंह ने किया। संयोजक हाजी मोहम्मद अली रंगवाला ने बताया 20 दिसंबर को पत्रकार विनोद दुआ और गोरी लंकेश की स्मृति, 27 दिसंबर को मदर टेरेसा एवं राजा राम मोहन राय की स्मृति, 3 जनवरी को स्वामी विवेकानंद एवं अब्राहम लिंकन, 10 जनवरी को डॉक्टर नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी, 17 जनवरी को यासिर अराफात और शेरशाह सूरी और 24 जनवरी को मौलाना मोहम्मद अली जोहर एवं पंडित मदन मोहन मालवीय की स्मृति में गर्म वस्त्र बांटे जाएंगे। प्रदेश में बढ़ते कोविड संक्रमण के बाद अब हर जिले में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। 16 दिसंबर से वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलेगा और सेकेंड डोज का लक्ष्य हर हाल में हासिल किया जाएगा। मंगलवार को CS इकबाल सिंह बेस ने ओमिक्रोन को लेकर संभागायुक्त और कलेक्टर्स को तैयारी के आदेश दिए। CS ने भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए अभी से सावधानी बरतने का कहा है। CS ने RT-PCR टेस्ट बढ़ाने, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का संचालन सुनिश्चित करने, दवाइयों की आपूर्ति, बिस्तर व्यवस्था चाक चौबंद रखने का कहा है। अमलतास अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में एक मरीज की मौत को लेकर बवाल हो गया। परिजनों ने मरीज के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।
दरअसल दुर्गा नगर कॉलोनी का 35 साल का विकास योगी शराब पीने का आदी था। परिजनों ने नशे की आदत छुड़ाने के लिए उसे अमलतास अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। बस स्टैंड में ठेकेदारी पर सफाई कर्मी का काम करने वाले योगी को पत्नी छोड़कर जा चुकी है। परिजन परेशान थे और उन्होंने इसके चलते उसे अस्पताल में दाखिल कराया था। रविवार को जब परिजन विकास से मिलने गए तो उसके सिर में चोट के निशान थे। गार्ड ने उसे डंडों से पीटा था। बाद में विकास की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि विकास को बांध कर रखते थे और उसके साथ डंडों से मारपीट भी की जाती थी। पुलिस ने शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। विसरा जांच के लिए भेजा गया है। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि विकास चक्कर आने से गिर गया था, इस वजह से उसके सिर में चोट आई थी। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पीएम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। अमलतास के डॉक्टर का कहना है कि विकास की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पीता था दारू के लिए, हमने भर्ती करा था कि नशा मुक्ति केंद्र में दारू छूट जाएगी, तो ये लोग नशे के इंजेक्शन लगा लगा के मारपीट करते थे, चार ही हाथ पांव पलंग से बांध देते थे। गुरुवार के दिन हमने करा था इसको एडमिट। वो जब पेशेंट चिल्लाता तो पेशेंट को मारपीट करते, पेशेंट के साथ में अत्याचार करते हैं। मैंने बोला दूर से तो बता दो मेरे बच्चे को। 45 दिन बाद मिले हुए, पाँच दिन हुए थे, आज 5 दिन हुए उस लड़के को। मैडम ने बोला, मैंने मैडम से बोला कि मैडम मारते पीटते तो नहीं, नशा छुड़वाते तो? बोले अगर तुम्हारे लड़के को एक उंगली भी लगाते हैं तो उसकी जवाबदारी मेरी है और हमारे खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। बोले चांदनी मैडम ने बोला कि हमारे खिलाफ अगर एक पेशेंट को एक उंगली भी लगाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ की जगह तो दो गोली नींद की और दो गोली कैप्सूल के बताओ मुँह के। आपको देते थे या उसको मरीज को देते? मरीज को, हमारे को सबको देखते हैं। आपको भी दिए? हाँ, मेरे को भी दिए। आप किस बात के पेशेंट हैं? वहाँ पे वो दारू के ही है। आप भी? हाँ, तो मैं एक महीने रह गया। अच्छा, आज तो आपके साथ भी मारपीट हुई थी क्या? आपके साथ भी मारपीट हुई थी? हाँ, मारपीट हुई थी। नहीं, मेरे पास भी, मेरे को दो दिन सही साठ रखा, उन्होंने तीसरे दिन मेरे को साथ मतलब पाँच लट मारा है मेरे को। हाँ, उन्हें मारा पाँच लट के बाद में मेरे को लेटा जाना, मतलब तेरे तो आप सम्मेलन करेंगे हम, तो मेरे को बस जाली पकड़ा दी और पाँच लट उनने ऐसे मारा है मेरे को, तो मैं मतलब पलंग पे लेट गया के बाद में 3 इंजेक्शन लगाया। बॉडी बिल्डिंग की मेयर ट्रॉफी स्पर्धा 18 दिसंबर को कार्तिक मेला मंच पर होगी। स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव स्मृति मेयर ट्रॉफी में 3.5 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। CDS जनरल विपिन रावत को 10 MP बटालियन के कैडेट्स ने श्रद्धांजलि अर्पित की। छत पर धूप लेने के दौरान एक युवती को अश्लील इशारे करने वाले आरोपी को न्यायाधीश आरती शुक्ला पांडे ने 3 साल की सजा सुनाई है। उज्जैन का धर्मेंद्र अपने घर के सामने रहने वाली युवती को परेशान करता था। मंगलनाथ मंदिर में मंदिर प्रशासन ने फूल और प्रसाद की अस्थायी दुकानें बंद करवा दी है। मंदिर समिति द्वारा नई स्थायी दुकानें बनवाई गई है, इन्हीं का आवंटन किया जा रहा है। कोरोना कवच अभियान के तहत वार्ड स्तर पर बेगमबाग कॉलोनी में बैठक हुई। इसमें वैक्सीनेशन के लिए घर घर दस्तक देने का फैसला किया गया। चाकूबाजी की 4 साल पुरानी घटना के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को 3 साल के लिए जेल भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल की कोर्ट ने यह सजा सुनाई। कोर्ट ने नंदू पिता लीलाधर बाथम और तेजकरण पिता माणक चंद को 3 साल का सश्रम कारावास और 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। खबरों को लेकर अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।